नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग फिजिकल जियोग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन को हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बिग बैंग थ्योरी जो था उसको स्टडी किए थे। उसमें देखे थे बिग बैंग थ्योरी कैसे एक्सप्लेन किया था कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, हमारे अर्थ कैसे इवॉल्व हुए, अर्थ के लिथोस्फीयर कैसे इवॉल्व हुआ, हाइड्रोस्फीयर कैसे इवॉल्व हुआ और स्टार्स कैसे बने। ठीक है, ये सारे हम लोग देखे थे बिग बैंग थ्योरी में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जो बिग बैंग थ्योरी हम देखे थे कि अपना सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, तो थोड़ा सा डिटेल हम देखेंगे सोलर सिस्टम में क्या क्या है। ठीक है, प्लैनेट है, क्या क्या है चीज़ें इसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपने सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम आप देखोगे, सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम में अपना जो सन है वो क्या है, सेंट्रल पे है, जो एक्सट्रीमली हॉट है, गैसेस से बने हुए हैं, यानी सन जो है सॉलिड पार्ट से नहीं बना है, गैसेस से बना है, और जो एनर्जी जो उसको मिलता है सन का वो न्यूक्लियर फ्यूजन से मिलता है, ना कि फिशन से। आपको पता होगा न्यूक्लियर दो जो एनर्जी न्यूक्लियस निकालते दो टाइप के होते हैं, एक फिजन होता है एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन में क्या होता है कि दो छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। तो जो अपना सन है एनर्जी जो अपने जनरेट करता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से करता है, इसको आप ध्यान रखना है। तो और अपना सोलर सिस्टम का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सन ही है, यानी सूरज से ही सारे सोलर सिस्टम में जो भी बॉडीज हैं उनको एनर्जी मिलती है। तो अपना सोलर सिस्टम ऐसे दिखेगा, सन सेंट्रल में है और जो एट प्लैनेट हैं, पहले नाइन हुआ करते थे लेकिन अब एट जो प्लैनेट है वो ऐसे ही इवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट, एक फिक्स ऑर्बिट में सन को। ठीक है, इसमें बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी मिलेंगे, उसको थोड़ा सा लोग डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या बॉडी मिलते हैं सोलर सिस्टम में। तो सबसे पहले सेलेस्टियल बॉडी होती क्या है, तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको स्काई में दिखता हो, या तो वो साइन कर रहा हो या ना साइन कर रहा है, यानी कोई भी बॉडीज जो रॉक से बना हो, ठीक है, वो क्या सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। उसका एग्जाम्पल है जैसे सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गया, प्लैनेट्स हो गया, ये सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडी है। ये जियोग्राफिकल एक टर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है, आप आंसर में इसको लिख सकते हो। कोई भी बॉडी यदि आपको नहीं पता है वो सन है, प्लैनेट है, क्या है, तो आप सेलेस्टियल बॉडी बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर स्टार्स क्या होते हैं, ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जिसका अपना हीट और लाइट हो, ठीक है, जो हीट और लाइट इमिट करता हो वो स्टार्स कहलाते हैं। जैसे अपना सोलर सिस्टम में जो स्टार है एक सन है, और ये भी बोल सकते हैं अपना अर्थ का जो नियरेस्ट स्टार है वो भी अपना सन है, सूरज ही है। ठीक है, ये रहा स्टार का डिफिनेशन। फिर देखो एस्टेरॉयड अपने सोलर सिस्टम में पाया जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट हम जनरली हम बोलते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट्स कहाँ मिलते हैं अपने ऐसा सेलेस्टियल बॉडी, पहले देखते हैं एस्टेरॉयड्स होते कहाँ, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो स्टार्स प्लैनेट या सैटेलाइट के अलावा होते हैं, और आप देखोगे मिलियन संख्या में अपना सोलर सिस्टम पाए जाते हैं, और प्लैनेट या सैटेलाइट से छोटे होते हैं, जो रॉक से ही बने होते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो सूरज के जो चक्कर लगाते हैं उसे एस्टेरॉयड बोलते हैं। तो ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो स्टार प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा जो मार्स और जुपिटर के बीच के ऑर्बिट में जो पाए जाते हैं उसे एस्टेरॉयड बोलते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। फिर देखो मेट्रोइड बोलते हैं, मेट्रोइड क्या होता, तो ऐसा स्मॉल पीस ऑफ रॉक जो सन की ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, सन की ओर चक्कर लगाता है, कभी कभी अपने एटमॉस्फेयर में पहुंच जाने से वो आप एटमॉस्फेयर में जलता हुआ भी दिखेगा और अपना सरफेस पे भी आ जाता है। ठीक है, मेट्रोइड क्या होती है, जो स्मॉल रॉक या पीस होती है जो सन के ओर चक्कर लगाते हैं, ये एस्टेरॉयड नहीं होती है। ठीक है, एस्टेरॉयड के अलावा एस्टेरॉयड क्या होती है कि जुपिटर और मार्स के बीच में जो ट्रेवल ऑर्बिट करते हैं उसको एस्टेरॉयड बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सन के चक्कर लगाते हैं छोटे छोटे रॉक या बोल सकते हैं वो क्या है, मेट्रोइड कहलाते हैं। ये जब हीट करके अपने एटमॉस्फेयर में आते हैं तो बर्न या फ्लैश जैसे लाइट दिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर देखो सोलर सिस्टम में अभी हम देखें स्टार्स होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं, मेट्रोइड होते हैं, फिर प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट एट है। ठीक है, तो प्लैनेट आप देखोगे ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जो अपनी हीट नहीं होती, अपनी लाइट नहीं होती है, और वो लिट करती है, जलती है किसके द्वारा, स्टार्स के लाइट के थ्रू। जैसे मान लो चंद्रमा है, चंद्रमा तो सैटेलाइट में आ जाएगा, लेकिन मान लो मरकरी है, तो यदि ये जलन जलते हुए दिखेगा तो ये स्टार यानी कि सन के लाइट से जलेगा। ठीक है, तो अपना प्लैनेट दो टाइप का होता है सोलर सिस्टम में, पहला जो होता है इनर प्लैनेट या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या अर्थ लाइक प्लैनेट। ठीक है, इसको तीन नाम से जानते हैं, इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, अर्थ लाइक प्लैनेट, ये चार होते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये आप देखोगे सन से, यदि आप सन से डिस्टेंस पे देखोगे सबसे पहले मरकरी मिलेगा, फिर वीनस मिलेगा, फिर अर्थ मिलेगा, फिर
मार्स मिलेंगे। तो जो चार प्लैनेट हो उसको अर्थ लाइक प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि पृथ्वी के साइज या सिमिलरिटी इसमें पाई जाती है, तो इसको इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, अर्थ लाइक प्लैनेट बोलते हैं। ठीक है, फिर चार जो अदर प्लैनेट है आउटर प्लैनेट बोलते हैं, या जोवियन प्लैनेट या गैस जायंट प्लैनेट बोलते हैं। ये देखो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं उसके बाद होते हैं, मिलते हैं। ठीक, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद मिलते हैं, बियॉन्ड मिलते हैं, ऐसे प्लैनेट का आउटर प्लैनेट बोलते हैं। जैसे जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, अब नेपच्यून हो गया। ठीक है, ये हो गया आउटर प्लैनेट। फिर देखो जोवियन प्लैनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और इसके थिक एटमॉस्फेयर होते हैं। अपने अर्थ में क्या है, थिन एटमॉस्फेयर है, लेकिन उनके जो जोवियन प्लैनेट है वहाँ पे बहुत मतलब थिक प्लैनेट एटमॉस्फेयर होते हैं। अब देखो डिफरेंसेस क्या होते हैं जोवियन और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स बने होते हैं, लेकिन जोवियन जो प्लैनेट होती है वो गैसियस पार्टिकल्स बने होते हैं। और सोलर विंड जो होती है वो जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में जो हीलियम और हाइड्रोजन के जो एटमॉस्फेयर पाए गए थे वो सोलर विंड से ब्लीव कर गए थे, बह गए थे, और जाके कहाँ इकट्ठा हो गए, जोवियन प्लैनेट में इकट्ठा हो गए। लेकिन जोवियन प्लैनेट में हीलियम और हाइड्रोजन के पार्टिकल भी देखे मैंने, गैसेस मिलेंगे, और जोवियन प्लैनेट में थिक बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जोवियन प्लैनेट क्या है, बहुत लार्जर इन साइज है, लार्जर इन साइज होगी तो उनकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होगी, ग्रेविटी जब ज़्यादा होगी तो जो सोलर विंड का जो प्रकोप है जो हीलियम हाइड्रोजन को बहा देती है वो क्या है, उसको नहीं बहा पाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रेविटी फोर्स होगा तो हीलियम और जो थिक एटमॉस्फेयर है उसको अपने पास जगड़ के रखेगा, इसलिए थिक एटमॉस्फेयर पाया जाता है जोवियन प्लैनेट में, जबकि सोलर विंड के प्रकोप से जो गैसियस पार्टिकल है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट से बह गए थे। ठीक है, फिर देखो टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट होते हैं स्मॉलर साइज होते हैं, लो ग्रेविटी, तो हमने डिस्कस कर लिया, जो इस्केपिंग जो गैसेस है उसको रोक नहीं पाती है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है, ये रहा अपना जोवियन प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में डिफरेंसेस। अब देख लें तो कुछ सोलर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हो या आपको प्रीलिम में भी हेल्प करती है। ठीक है, देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून किसके हैं, अभी सैटर्न के हैं। 2019 में नए जो खोज हुए थे उसके बाद पता चला कि सैटर्न जो है उसके सबसे ज़्यादा मून्स हैं वो 82 नंबर में हैं। टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे लार्जेस्ट मून है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर देखो लार्जेस्ट प्लैनेट जो अपने सोलर सिस्टम के हो क्या है, जुपिटर है। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि साइज में देखोगे तो कौन कौन से हैं, जुपिटर सबसे बड़ी है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर अर्थ का आता है, अर्थ का आप देखोगे पाँचवें नंबर पर है, फिर वीनस है, मार्स है, मरकरी है। फिर लोवेस्ट डेंसिटी में देखोगे तो सैटर्न सबसे लोवेस्ट डेंसिटी है, क्योंकि गैस से बनी हुई है। यदि ऐसा बोला जाता है सैटर्न को यदि लार्ज पूल आप वाटर में रखोगे, आप वाटर में उसको रखोगे तो सैटर्न क्या है, फ्लोट करेगा। वो सैटर्न जो प्लेनेट है वो क्या बोलते हैं, वाटर में डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा। फिर देखो एस्ट्रॉइड बेल्ट ये पाया जाता है मार्स और जुपिटर के बीच में। फिर क्यूपर बेल्ट ये देखो आउटर एरिया ऑफ सोलर सिस्टम है। जैसे आउटर एरिया क्या हो गया, ये सन हो गया, और इसके अंदर सारे प्लेनेट एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड सब पाया जाता है। और जो आउटर बेल्ट होता है इसके बियॉन्ड सन की जो रेंज नहीं जाती है उसको बोलते हैं क्यूपर बेल्ट। यहाँ पे डार्क मिलेगा आपको। ठीक है, क्यूपर बेल्ट के बाद सन की रेंज नहीं जाती है, और सन का जो अट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है या बोल सकते प्रभाव होता है, क्यूपर बेल्ट के बाहर नहीं होता है, ये होगा क्यूपर बेल्ट। फिर देखो कॉमेट, कॉमेट क्या होती है कि आइसी स्मॉल बॉडी होती है जो डस्ट और आइसी गैसेस से बनी होती है, और जिस सन के पास यदि गुजरती है तो क्या होती है, जलती है, तो हमको विजुअल ट्रेल या पूंछ जैसा देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं कॉमेट। फिर देखो मेट्योर क्या होती है, ये देखो मेट्राइट से बनी होती है, मेट्राइट जब सॉलिड डेब्रिस जो ओरिजिनेट होती है एस्ट्रॉइड से, ठीक है, या कॉमेट से, वो जब आउटर एटमॉस्फेयर में पहुंचती है अर्थ के तो जलती है, तो उसको बोलते हैं मेट्योर। ठीक है, फिर मेट्राइट देखो यही मेट्योर जब अर्थ सरफेस पर पहुँच जाती है तो उसको बोलते हैं मेट्राइट, इसको ध्यान रखना है। अर्थ सर्फेस जब एस्ट्रॉइड जो अर्थ सरफेस पहुंचती है उसको मेट्रॉइड बोलते हैं, और जब एटमॉस्फेयर में जलती है एस्ट्रॉइड तो उसको बोलते हैं मेट्योर। ये रहा कुछ अपने सोलर सिस्टम जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको यहाँ पे हम लोग देख लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि लेक्चर कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।